हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। नमस्कार सब बच्चों से। हमारा लाइव है नहीं? आ वी लाइव, क्या हम लोग लाइव है भाई साहब? यस वी आर लाइव। ओके, वी आर लाइव नाउ। आई विल बिकेम हर्ष। कह रहे सर आज वो जीतेंगे, हम भी होप चाहते आपकी हैं। मनोकामना जरूर पूरी हो और आप ही जीते आज हमारा क्विज। हम लोग देख रहे हैं देख रहे हैं देख रहे हैं जी, एकदम बढ़िया से देख रहे हैं। तो आ जाओ दोस्तों फटाफट menti.com। आज सुबह का क्विज किससे इसने खेला था और कैसा लगा था वो वाला क्विज हमें जरूर बताना। मेगा क्विज हम लोगों ने कहा था 4 दिन का होगा, 4 दिन का हमारा मेगा क्विज चल रहा है और डेली क्विज तो हमारा डेली चलता वो तो है। चलेगा ही चलेगा। ये है वो, आ जाओ फटाफट सारे लोग हमारे साथ तो और हम स्टार्ट करें दोस्तों आज आ का जाइए, जीके क्विज। कौन कौन है जो सुबह खेले थे हमारे साथ और अभी भी हैं? बताओ दोस्तों। हर्ष, क्या आप सुबह थे? हर्ष कौन कुमार क्या एस। ओके कुमार कह रहे हैं सर? एस आए हैं अभी, उन्होंने कुछ कहा नहीं, डिलीट कर दिया सिक्स पार्लियामेंट। थ्री फोर आज क्लास 10 केमिस्ट्री नहीं है, प्रखर वाजपेयी। क्लास 10 आज फिजिक्स है। आज क्लास 10 की फिजिक्स है प्रखर। फिजिक्स है आज क्लास 10 की फिजिक्स है। कल है केमिस्ट्री, जी बिल्कुल ठीक है, कल से आपकी केमिस्ट्री चालू बिल्कुल हो जाएगी। आज आपकी क्लास 10 की मैथ एंड फिजिक्स दो सब्जेक्ट हैं ये। तो क्या स्टार्ट किया जाए क्या दोस्तों? चलो दोस्तों जल्दी से ज्वाइन कर लो मेंटी पे, और मेंटी का हम बता देते हैं जो लिंक और कोड है मेंटी कैसे ज्वाइन करना है आप लोगों को वो पहले सबको से पता ही ही है पता हमारे है। दोस्तों को। मेंटी का जो लिंक है वो है www.menti.com, इस पे आपको क्लिक करना है बिल्कुल और उसके बाद आपको जाके कोड डालना है जो है 6347215। ठीक है दोस्तों, तो आ जाओ ओके। हमारे साथ जिससे हम लोग अपना क्विज स्टार्ट करें फटाक से सब लोग। ओके ओके, आज हमें लगता है हमारी क्लास जो चल रही है उस बच्चे उसमें गए हुए हमारे बच्चे हैं। सही, अच्छा है। आज हमारे दोस्त लोग सारे वहां गए हैं क्या क्विज खेलने के लिए? आज नहीं, क्लास दोस्त लोग फिजिक्स जेई की की क्लास क्लास, ले रहे हैं शायद, जेई जेई का की। बैच चालू हाँ हुआ है। दोस्तों इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए कि आज से, आज 28 तारीख जैसे कि हमने बोला था मंडे, आज से हमारे फिजिक्स तो सॉरी जी जेई और क्लास 10 दोनों की के क्लासेस शुरू हो चुकी है आज बैचेस से। स्टार्ट हो चुके हैं हाँ बैचेस पूरे के पूरे स्टार्ट हो चुके हैं, जी। और हमारे बैच के बारे में सब बताइए प्लीज कुछ बच्चों को जो 12th का चल रहा है और जेई ट्वेल्थ का। का है संपूर्ण बैच, वो जी शाम को 5 बजे, 6:30 बजे और 8:15 पे होता है। बाकी जेई का जो बैच चल रहा है वो दोपहर 2 बजे से लेके 3 बजे तक, देन 3 से 4 चलता है। और उसके बाद एक बैच चलता है हम लोग का जो 10th का है, वो शाम को चालू होगा 7 बजे से रात 9 बजे तक। ठीक है दोस्तों, अनमोल ढिल्लन कह रहे हैं हेलो। हेलो अनमोल जी, कैसे हैं आप? तो चलो स्टार्ट किया जाए दोस्तों। आज हमारे अब्दुल्ला साहब और सब लोग हम क्लास में बिजी हैं। बिल्कुल ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन लेकर आते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। फटाफट सब लोग मिनटी पे आ जाओ दोस्तों। वॉट इज मेंट बाय द वर्ड हेलोजन? हेलोजन क्या होता है? केमिस्ट्री का एक टर्म है, किसको कहा जाता है हेलोजन? मेटल प्रोड्यूसर को कहा जाता है, गैस प्रोड्यूसर को कहा जाता है, सॉल्ट प्रोड्यूसर को कहा जाता है या एसिड प्रोड्यूसर को कहा जाता है? बताओ दोस्तों, ये जो वर्ड होता है इसको क्या कहा जाता है, किस चीज से रिलेट करता है ये? देखते हैं इसका आंसर कौन कौन सही देता है। ज्यादातर ने आंसर दे दिया है, बाकी देख लो सारे दोस्तों फटाफट इसका आंसर दो। जो वर्ड हेलोजेन जो होता है ये क्या होता है केमिस्ट्री के टर्म में? होता है मेटल प्रोड्यूसर, गैस प्रोड्यूसर, सॉल्ट प्रोड्यूसर या एसिड प्रोड्यूसर? और एवरीवन हैज वोटेड और यहाँ पे जो मेजोरिटी ने आंसर दिया है वो है सॉल्ट प्रोड्यूसर। जी हाँ, सॉल्ट प्रोड्यूसर होता है ये। सॉल्ट प्रोड्यूसर मतलब कि कहा जाता है कि जब हेलोजन जो होता है अगर उसको आप किसी भी मेटल के साथ आप रिएक्ट करवाओगे उसको तो वो सॉल्ट प्रोड्यूस करता है ये।
ये केमिकल एलिमेंट होता है दैट फॉर्म सॉल्ट व्हेन इट रिएक्ट विद मेटल। ओके, फाइव टाइप के हेलोजन होते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, आप लोगों ने पढ़ी होगी पीरियोडिक टेबल, उसमें पांच टाइप के होते हैं। एक होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एटेस्टेंटीन। ठीक है, ये होते हैं पांच टाइप के हेलोजन। चलो देखते हैं हमारा फास्टेस्ट आंसर किसने दिया और किसने लोगों ने सही दिया है। और भालू करके हैं जिन्होंने फास्टेस्ट दिया, जिन संदीप हैं, वेलकम टू 2021 पीहू उपाध्याय, शुभ अयोध्या वाले और जेलेटिन इब्राहिमोविच। ओके, तो चलो देखते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू है जो हमारा। फटाफट सब लोग मिंटी पे आ जाओ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर टू आ रहा है हमारा। और क्वेश्चन नंबर टू हमसे क्या कह रहा है देखते हैं। विच प्लेस हैज द रिकॉर्ड ऑफ लोएस्ट टेम्परेचर, आज तक कौन सी ऐसी जगह जहां पर सबसे कम टेम्परेचर है, कौन सी वो जगह है दोस्तों। नॉर्थ आइसलैंड, ग्रीनलैंड है, नॉर्थ आइस ग्रीनलैंड में, अमुसनैन स्कॉट साउथ पोल स्टेशन, लुहानसक यूक्रेन, या वोस्टॉक स्टेशन अंटार्कटिका, कौन सी वो जगह है जो सबसे ज्यादा ठंडी वाली जगह है, सबसे बर्फीली। और देखो इसका मेजॉरिटी ने जो आंसर दिया है वो दिया है वोस्टॉक स्टेशन अंटार्कटिका। जी हाँ, सबसे कम टेम्परेचर है वहां पे, वहां पर रिकॉर्ड किया गया था -89.2 डिग्री टेम्परेचर। सोच सकते हो दोस्तों यहाँ पे 0 डिग्री और 1 डिग्री में यह हालत हो जाती है कि कपड़े पे कपड़े पहनते हैं, और उस स्टेशन वाली जगह पे आपका जो मिनिमम टेम्परेचर था वो था -89.2, यानी कि -128.6 फ़ारेनहाइट, अगर फ़ारेनहाइट में देखेंगे। ये 21 जुलाई सन 1983 में रिकॉर्ड किया गया था, मतलब कि इंसानों के रहने लायक एकदम जगह नहीं है वो, रिसर्च और इन सब के काम ज्यादातर आती है। और आपको एक मजेदार बताऊं, कौन सी वो जगह जहां पे सबसे ज्यादा टेम्परेचर नोट किया गया, सबसे ज्यादा, सबसे कम तो आपका हो गया वोस्टोक स्टेशन अंटार्कटिका, जहां का मिनिमम टेम्परेचर जो था वो -89.2 डिग्री सेंटीग्रेड था। सबसे हाईएस्ट वाली जगह थी, आप लोगों ने सुना होगा डेथ वैली, डेथ वैली करके जगह है ये, आपका जो डेथ वैली है ये ग्रीनलैंड में रैंच करके एक जगह है वहां पे, और वहां पे जो मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था वो था 56.7 डिग्री सेंटीग्रेड, 56.7 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था सबसे ज्यादा, और ये भी किया गया था 10 जुलाई 1913 को। ठीक है, तो ये था हिसाब किताब भाई, सबसे गर्म जगह और सबसे ठंडी जगह दोनों हमने आपको बता दिया। शुभ साहू कह रहे हैं हाय, हाय शुभ साहू, कैसे हो आप। तो चलो मूव करते हैं हम लोग अपने लीडर्स बोर्ड पे, देखते हैं। वेलकम 2020 ने इसका आंसर सही दिया, संदीप ने गलत दे दिया, कैस्पर ने गलत दे दिया, भालू फास्टेस्ट आंसर देके नंबर वन पे है, देन आपके अनमोल ढिल्लो ढिल्लन जो है वो थ्री पे आ चुके हैं, संदीप है, शुभ अयोध्या वाले, कैस्पर, पीहू उपाध्याय, पापा की परी। ओके ओके ओके, तो चलो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों, फटाक से सब लोग आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आ रहा है क्वेश्चन नंबर थ्री, और लेट्स सी क्वेश्चन नंबर थ्री क्या कहता है हमसे। विच ऑफ द फॉलोइंग हैड अ सन नेम्ड हैमनेट, किसके बेटे का नाम हैमनेट था, विलियम शेक्सपियर, अर्ल ऑफ एसेक्स, लॉर्ड ऑफ डर्बी, वॉल्टर रिलेज, बताओ कौन थे वो साहब जिनके बेटे का नाम हैमनेट था। एक ही इकलौता ही बेटा था इनका, और देखें कौन कौन इसका आंसर सही देता है। हैमनेट नाम था, कौन थे वो साहब जिनके बेटे का नाम था हैमनेट, विलियम शेक्सपियर, अर्ल ऑफ एनेक्स, लॉर्ड डर्बी या वॉल्टर, जी बताइए। 3 सेकेंड 2 सेकेंड 1 सेकेंड, और लेट्स सी क्या आंसर देते हैं दोस्त लोग हमारे। और देखो मैक्सिमम मेजोरिटी वालों ने हिसाब किताब में आंसर दिया है इसका, विलियम शेक्सपियर, जी विलियम शेक्सपियर का जो बेटा था उसका नाम था हैमनेट, एनी हैथवे के साथ इनका जो बेटा था विलियम शेक्सपियर, इकलौता बेटा था, उसका नाम था हैमनेट। ठीक है, चलो तो देखते हैं किसने किसके इसका आंसर सही दिया। खुशबू यादव कह रही है ए, खुशबू जी लिंक ज्वाइन कर लीजिए, सर आज क्लास 10 की केमिस्ट्री बता दिया साहब हमने आपको, और इसका जो आंसर सही दिया है लोगों ने, भालू जी जो है हमारे साहब उन्होंने फास्टेस्ट आंसर दिया, बड़ा क्यूट सा नाम रख रखा है, देन वेलकम 21 21 21 है, संदीप है,
अनमोल ढिल्लन है, देन कैस्पर है, पापा की परी, शुभ अयोध्या वाले, आई लव सॉन्ग्स, पीयू उपाध्याय, देन ओके ओके ओके। चलो तो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, और फटाफट सब लोग मेंटी पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है दोस्तों, लेट सी व्हाट क्वेश्चन नंबर 4 ब्रिंग्स टू अस। अ प्लग गॉज इज यूज टू मेजर द, प्लग गॉज जो होता है वो क्या मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, पिच ऑफ द थ्रेड, धागे की पिच, बोर्स ऑफ द सिलेंडर, एंगल या फ्लैटनेस, बताओ दोस्तों। बिल्कुल, हेलो दोस्तों, क्या 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 करने के लिए किया जाता है आपका प्लग गॉज इज यूज टू मेजर द, बताओ दोस्तों। प्लग गेज, ओके, प्लग गेज इज यूज टू मेजर द पिच ऑफ थ्रेड, बोर्स ऑफ सिलेंडर्स, एंगल्स या फ्लैटनेस, किस चीज को नापने के लिए प्लग गेज का यूज किया जाता है दोस्तों, जल्दी से बता दो, आपके पास बाकी है 3 सेकंड, 3, 2, 1, टाइम्स अप। और बिल्कुल सही जवाब, बोर्स ऑफ सिलेंडर्स, मेजॉरिटी कह रही है बोर्स ऑफ सिलेंडर, बिल्कुल सही जवाब है। तो प्लग गेज जो होता है वो बोर्स ऑफ सिलेंडर को नापने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो देखते हैं हमारा लीडर्स बोर्ड क्या कहता है भाई साहब, कौन है लीडर्स बोर्ड में, और हमारा लीडर्स बोर्ड कह रहा है अरे शुभ साहू अयोध्या वाले, शुभ साहू लगता है इन्हीं के सब्जेक्ट से आ गया सवाल, अरे फास्टेस्ट देखिए ऊपर भी आ गए हैं, अनमोल ढिल्लन जो है सेकंड पे आ गए, कैस्पर नंबर 3 पे आ गए, पापा की परी है, देन 21 21 21 आ चुके हैं, डॉक्टर ईवेल आई लव सॉन्ग, पीहू। चलो तो मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, सारे लोग आ जाओ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पे, और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है हमसे। सवाल नंबर 5 दोस्तों आपके स्क्रीन पर, सवाल नंबर 5, ओपियम इज प्लांट प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ओपियम इज अ प्लांट प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ओपियम जो होता है प्लांट प्रोडक्ट होता है वो किससे ऑब्टेन किया जाता है, ये क्या स्टेम बार्क, ड्राइड लेटेक्स, रूट्स या ड्राइड लीव्स, ड्राइड लीव्स। ओपियम एक जो हमारे पौधे होते हैं उनके अंदर का एक प्रोडक्ट होता है, वो किससे ओपियम, वो देखिए ये हमारी टीम ने कोई लगा के दिया, इसका कुछ मतलब हो सकता है, हो पता नहीं जी कौन सा नशा करता है, नशा करता है, हैं ओपियम दोस्तों, ओपियम होती है अफीम एक्चुअली, अच्छा जी ओपियम अफीम होती है, तो बताओ किससे होता है, कैसे प्रोडक्ट उसका कैसे प्रोड्यूस होती है वो, क्या होता है। और देखें यहाँ पे ज्यादातर लोगों ने ड्राई लेटेक्स मानी छाल, नहीं ड्राई लेटेक्स माने मतलब कि सर ये सुखा के, हाँ मतलब एक इसके जो फल होते हैं जो इसके जो सीड होते हैं ओपियम के, उसमें कट लगाया जाता है, उसमें से दूध व्हाइट व्हाइट कलर का दूध निकलता है, उसको सुखाया जाता है। अच्छा जी, ये वाली मूवी थी ना एक आई थी आप लोग की आर्या करके, उसमें इसी की खेती करते हैं वो लोग जी, अफीम की दिखाया, मिर्जापुर में भी इसी की खेती हो रही थी सीजन 2, जिसका वो मांगते हैं कि हमें ठेका दिलवा दो, ठेका दे दो ठेका। तो देखें इसका आंसर किसने किसने सही दिया भाई साहब, आई लव सॉन्ग्स फास्टेस्ट है लग रहा है, बिल्कुल फास्टेस्ट, और आपके कैस्पर नंबर 2 पे आ गए हैं, बहुत बढ़िया कैस्पर साहब, और इसके अलावा जो है भालू नंबर 1 पे बने, आई लव सॉन्ग इज द फास्टेस्ट वन, भालू ये कैसा नाम है, ओके अच्छा अनमोल जी कह रहे हैं ढिल्लन, अनमोल ढिल्लन है, ओके अनमोल जी। तो चलिए मूव करते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, सवाल नंबर 6 की तरफ दोस्तों बढ़ चुके हैं हम, सवाल नंबर 6 आपके स्क्रीन पे आ रहा है, और सही से पढ़ के सही जवाब, नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन, नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है दोस्तों, जल्दी से बता दीजिए, कानपुर, करनाल, धनबाद या लखनऊ, ये इंडिया में है, इंडिया की बात हो रही है, मतलब शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पे है बता दीजिए दोस्तों जल्दी से, कहां पर है नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट, कौन सी जगह है इंडिया में जहां पे आपका नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, कानपुर है, करनाल है, यानी कि धनबाद या लखनऊ, एक बिहार और दो यूपी से, लेट सी क्या आंसर आता है, टाइम अप हो गया दोस्तों, और मेजॉरिटी कह रही है कानपुर, बिल्कुल सही जवाब, कानपुर में है, कानपुर उत्तर प्रदेश, कानपुर कहा जाता था एक टाइम पे अंग्रेजों के टाइम में मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, मैनचेस्टर मतलब कि इतने सारे वहां पे इंडस्ट्रीज और कंपनी थी, आपको ये भी पता होगा वो गन बनाने वाली जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वो भी कानपुर में है, बिल्कुल गठन किया गया था 1936 में, 1936 में इसका एस्टैब्लिश किया गया था।
जी ओके, वो कह रहे हैं ढिल्लन नहीं है ढिल्लो, एक्चुअली में आपके नाम के आखिरी में एन लगा हुआ है। जी वो साइलेंट होता है अच्छा एक्चुअली, एन, अनमोल ओके ढिल्लो, ये अनमोल ढिल्लो है। ओके, अनमोल ढिल्लो, ओके हम उस एन को ढिल्लन बोल रहे थे इसीलिए। ओके अनमोल जी, थैंक्स फॉर करेक्टिंग अस, और ये चीज हमें आज पहली बार पता चली कि सर एन साइलेंट होता है इस नाम के सरनेम में। चलिए अनमोल जी, तो देखते हैं इसका आंसर किसने किसने सही दिया है। लैग हो रहा है, शुभ साहू कह रहे हैं लैग हो रहा है भैया, लैग हो रहा है क्या, सिस्टम हमारा लैग हो रहा है, लग तो रहा है। लग रहा है यूट्यूब हमारा लैग कर रहा है। चलिए, बहुत और इसका आंसर आई लव सॉन्ग्स ने फास्टेस्ट आंसर दिया, बहुत बढ़िया। ही बढ़िया, भालू जी नंबर वन पे हैं, कैस्पर टू पे हैं, देन अनमोल है नंबर थ्री पे, देन पापा की परी, वेलकम 2021, संदीप है, उसके बाद शुभ शाहू अयोध्या वाले, आई आई लव लव सॉन्ग्स। सॉन्ग्स, ओके ओके, डॉक्टर ईविल। चलिए टॉप टेन अभी की भी क्या बात लैग करनी हो रहा है है क्या, अच्छा वॉइस वॉइस क्लियर आ रही है दोस्तों आप लोग दोस्तों, को। आवाज क्लियर हो रही है, देखो फिर से लैग हो रहा है आई थिंक। चलिए बढ़ चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर, अगर लैगिंग खत्म हो गई है तो। लेट्स सी क्या लाता है हमारा क्वेश्चन नंबर सात, वी आर इन द मिड ऑफ आवर क्विज, बिल्कुल, तो क्वेश्चन नंबर सात आ चुका है। ओके क्वेश्चन नंबर सात हमसे क्या कह रहा है, लेट्स सी। मेन ऑब्जेक्ट ऑफ अ बजट इज, बजट का एक मेन मुख्य ऑब्जेक्टिव उद्देश्य, क्या होता मुख्य है, उद्देश्य क्या होता है, और ऑप्शन है आपके पास, टू एंश्योर अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, टू सर्व अ टूल ऑफ मैनेजमेंट, टू फैसिलिटेट इकोनॉमिक एनालिसिस, और डी ऑप्शन है आपका, ऑल ऑफ द अबव, कौन सा है, बताओ दोस्तों। जल्दी से बताइए। एक बजट, बजट की बात हो रही है यानी इकोनॉमी की बात हो रही है यहाँ पे, इकोनॉमी में जो बजट होता है उसका उद्देश्य क्या होता मेन है। उपदेश क्या होता है उसका, 10 सेकंड रहेगा आपके पास, जल्दी से जवाब दे दीजिए। 10 सेकंड रह गए हैं, दो एक और, टाइम्स अप। और देखो मजॉरिटी कह रहे, नहीं मजॉरिटी और यहां पर फेल हो गई, लेकिन यहां पे सही सही आंसर जवाब है ऑल ऑल ऑफ ऑफ द अबव, अबव, सारे ही यानी दोस्तों कि ने पार्ट बताए बिल्कुल वो, मैंने कहा टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी, टू सर्व द टू टूल ऑफ मैनेजमेंट, टू फैसिलिट फैसिलेट इकोनॉमिक इकोनॉमिक एनालिसिस, मतलब कि एनालिसिस। बजट का ये मेन उद्देश्य होता है। और बजट का सेशन आता है हर साल, आप लोग देखते होंगे कितना बवाल होता अरे है क्या क्या वाह, होता देखिए है। सब मजे में फास्ट टेस्ट हैं, और तीन ही लोग इसका सही जवाब दे पाए हैं, यानी कि ये क्वेश्चन हाँ, टफ था। और हमें लगता है कैस्पर जी नंबर वन पे आ गए, बहुत बढ़िया कैस्पर जी। भालू जी नंबर टू पे आ गए हैं, भालू देन जी चल गए संदीप, नीचे, अनमोल हैं, देन पापा की परी, वेलकम वेलकम, सब मजे में फास्टेस्ट है। वेरी गुड, वेरी गुड सर जी। तो आ चुका है हमारा क्वेश्चन नंबर आठ, और क्वेश्चन नंबर आठ हमसे क्या कह रहा है दोस्तों, फटाफट सब लोग मेंटी पे आ जाओ, तो क्वेश्चन नंबर आठ हम लोग स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर आठ की तरफ बढ़ रहे हैं दोस्तों। गैनमेड द लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ द सोलर सिस्टम इज द मून ऑफ, गैनीमेड जो करके लार्जेस्ट सैटेलाइट है सोलर बिल्कुल, सिस्टम की, वो एक प्लैनेट का मून है, चांद है, वो कौन सा प्लैनेट है, कौन सा जुपिटर, प्लेनेट, सैटर्न, नेपच्यून या मार्स, बताओ दोस्तों कौन सा है वो जुपिटर, प्लैनेट। कहाँ का, कौन से, कौन गैनीमेड कौन से से सोलर प्लैनेट सिस्टम, का, हाँ कौन कौन से सा प्लैनेट मून का है। मून है वो। वैसे हमारे आप लोगों को पता होगा मून जो होती है वो, उसको कहा जाता है नेचुरल सैटेलाइट, जी किसी भी प्लेनेट का जो मून होता है उसको, जैसे हमारे प्लेनेट में एक है तो उसको नेचुरल सैटेलाइट कहते हैं। मेरे ख्याल से कई सारे ऐसे प्लेनेट हैं जिनके पास 14-14 मून भी है, ऐसा है। और देखो इसका जो चलिए मेजोरिटी ने आंसर दिया है वो दिया है जुपिटर बिल्कुल, जी। 5-4-2-1 पे। और एक अगर किसी ने एक चीज पूछी, अगर कोई कॉमन सेंस इसमें लगाएगा तो एक चीज और भी ध्यान दो, लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ द सोलर सिस्टम जी जो जुपिटर है वो खुद में सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है, बिल्कुल तो सही इट्स बात बिट है। ऑब्वियस कि उसका जो सैटेलाइट है वो भी सबसे लार्जेस्ट होगी। विजय रुबन आए हैं, कह रहे हैं हाय सर, हाय विजय, कैसे हैं आप, यूपीएससी गोल सी कह रहे हैं, शुभ साहू ए बता रहे हैं, बिल्कुल सही है। ए है जुपिटर भाई साहब, इसका आंसर सही, हर्षित शर्मा, हर्षित शर्मा कह रहे हैं सर आपने बोला था फ्री फायर पे वीडियो लाओगे, कल आया था सैटरडे को आया था, सैटरडे को हम फ्री फायर पे क्विज ऑलरेडी ला चुके हैं हर्षित, हर्षित जी शायद आप आप वहीं नहीं नहीं थे, थे आप सैटरडे को शायद हुआ नहीं था। थे। गेमर, ग्राइंडिंग गेमर कह रहे हैं आई एम ज्वाइनिंग, ओके बिल्कुल ओके, तो हर्षित जी सैटरडे को क्विज आया था उस पे, ठीक है, पीयू और उपाध्याय, पीयू बहुत सही उपाध्याय पीयू फास्ट जी, टेस्ट है, बहुत ही बहुत सही आपने बढ़िया। फास्टेस्ट आंसर दिया है, देन कैस्पर नंबर वन पे बने हुए हैं हमारे, और पीयू जी ने फास्टेस्ट आंसर दिया है, चलिए बहुत वेरी बढ़िया, गुड। ठीक है तो चलिए मूव करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लेट्स सी, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9 नाइन। क्वेश्चन नंबर नाइन आ चुका है हमारे सामने, और फटाफट सब लोग मेंटी पे आ जाओ दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या कहता है देखते हैं। सवाल नंबर 9 दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, पिंक बॉल वर्म इज अ पेस्ट ऑफ, पिंक बॉल वर्म एक पेस्ट है किसका, ग्राम, ओकरा, मस्टर्ड या कॉटन। पिंक बॉल वर्म जो है एक पेस्ट है, कीड़ा होता है, किसका, किसमें लगने वाला, किसका कीड़ा है ये पिंक बॉल वर्म। जी पिंक बॉल वर्म कीड़ा होता है, तो ये जो कीड़ा होता है किससे निकलता है, ग्राम से, ओकरा से, मस्टर्ड से या कॉटन से, बताओ दोस्तों जल्दी से जवाब दे दीजिए दोस्तों। ये तो मेरे ख्याल से लोगों को पढ़ा होगा, बताओ बताइए। सनायन जी कह रहे हैं आई एम लेट। हाँ सनायन जी आज आप लेट हो गए। सनायन आप लेट नहीं, आई थिंक आज आप क्लास ले रहे थे शायद फिजिक्स वाली। और देखो इसका जो लोगों ने आंसर दिया है ज्यादातर ने ओकरा बोला था, कॉटन का कीड़ा होता है, ग्राइंडिंग के मर्गे ने कोड दे दो, कोड ऊपर लिखा हुआ है, पिन सेक्शन मतलब सॉरी चैट सेक्शन में सबसे ऊपर पिन हो रखा है कोड। ओके जी तो चलो मूव करते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा आ चुका है। अच्छा देखो इसका आंसर किसने, अनमोल ने इसका आंसर सही दिया था, शुभ ने इसका आंसर दिया था, सब मजे में दिया था। अनमोल तीसरे नंबर पर पहुंच गया, छलांग लगा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, फर्स्ट टेस्ट, बिल्कुल बहुत सही जा रहा है इट्टा। अनमोल जी आप तीसरे नंबर पे आ चुके हो, बहुत ही बढ़िया। तो अब हम लोग मूव करते हैं कौन से क्वेश्चन पे सर, जो है हमारे सवाल नंबर 10। बस 10 हाँ, तो स्टार्ट काउंटडाउन और आ चुका है क्वेश्चन आपके पास। पीएम नरेंद्र मोदी वाज ऑनर्ड विद द लेजेंड ऑफ मेरिट अवार्ड बाय विच नेशंस प्रेसिडेंट। ऑप्शन है आपके पास कनाडा, यूके, यूएसए, फ्रांस। हालिया की न्यूज है ये, बहुत जल्दी अभी करंट अफेयर का क्वेश्चन है दोस्तों। लेजेंड ऑफ मेरिट का अवार्ड दिया गया है एक देश के प्रेसिडेंट के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। लेजेंड ऑफ मेरिट कहाँ दिया जाता है दोस्तों, पहला तो बहुत यही है, बहुत ही सिविलियन अवार्ड में सबसे ऊंचा अवार्ड माना जाता है उस देश का ही, बिल्कुल। और हालिया में उसको दिया, बड़ा चर्चित देश है, वैसे तो चर्चित सारे ही देश है, हर कोई न्यूज में बना रहता है, बिल्कुल, लेकिन वहां से नमस्ते और हॉडी हॉडी भी हो रहा था। देख लेते हैं किसने सही जवाब दिया इसका, यूएसए, मेजोरिटी कह रही है यूएसए, बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों यूएसए। जी यूएसए के प्रेसिडेंट जो करंट प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप साहब। अब लोग ये भी पूछेंगे कि सब प्रेसिडेंट तो जो बाइडेन जीत चुके हैं जी, लेकिन जो बाइडेन जो है वो प्रेसिडेंट इलेक्ट है, मतलब इलेक्ट कर दिया गया है अगले प्रेसिडेंट बनने के लिए, उनका कार्यकाल शुरू होगा। यूएस का जो प्रोसेस होता है वो 8 नवंबर को रिजल्ट आ जाते हैं यूएस कांग्रेस, बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है, 20 जनवरी को वो लोग फॉर्मल अनाउंस करेंगे, बिल्कुल। तब तक के लिए डोनाल्ड ट्रंप ही एक्टिंग प्रेसिडेंट है और उन्होंने द लेजेंड ऑफ मेरिट करके अवार्ड होता है, काफी हाई सिविलियन अवार्ड है वहां का, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है, बिल्कुल। अच्छा दोस्तों मैं बता दूं यूएस इलेक्शन के ऊपर हमने एक वीडियो भी बनाई है जिसमें उनका किस तरह से इलेक्शन होता है, क्या प्रोसेस होता है, कौन कौन सी पार्टियां हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी यूएस के बारे में और इलेक्शन प्रोसेस क्या है, उसके ऊपर वीडियो बनाई, आप जाएंगे यूएस इलेक्शन डालेंगे हमारे चैनल पे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी, जरूर से देखिएगा, ठीक है दोस्तों। शर्मा कह रहे हैं सर आपने क्रिसमस पर वीडियो लाए थे एफएफ पर नहीं, मतलब मैं समझा नहीं। अच्छा फ्री फायर पे नहीं लाए, ओके नहीं भाई साहब क्विज लाए थे, क्विज हम लाकर आए थे जरूर, सैटरडे को शाम को 4 बजे हुआ था फ्री फायर पे, कई सारे हमारे दोस्तों ने खेला भी था हमारे साथ उस दिन वो क्विज। जी बिल्कुल है ना, बिल्कुल। आप शायद साहब उस दिन आप आए नहीं थे खेलने। मोदी साहब को ये जो मोदी साहब को जो ये अवार्ड मिला है, ये अवार्ड मिला है उनको इंडिया और यूएस की जो रिलेशनशिप है उन रिलेशनशिप को बिल्डअप करने के लिए, उन्हें स्ट्रेंथन करने के लिए, मतलब उसकी मजबूती बढ़ाने के लिए उनको ये अवार्ड मिला है, और साथ ही इंडिया को एक इमर्जिंग पावर ऑफ वर्ल्ड के तौर पे उभार प्रेजेंट करने के लिए ये अवार्ड उनको दिया गया है। तो सोच लीजिए मतलब बहुत बड़ा अवार्ड मेरिट, हाँ यूएस में काफी बड़ा अवार्ड है, ऐसे ही लास्ट ईयर सऊदी ने भी कोई एक अवार्ड दिया था, उनका भी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड था, बिल्कुल। तो सऊदी अरेबिया ने भी मोदी जी को दिया था वो अवार्ड, मतलब मिल किसी को मेरा, मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है इंडियन को, इंडिया को मिल रहा है, बिल्कुल। शुभ साहू कह रहे हैं मोदी जी इज बेस्ट, और वो कह रहे हैं सर अभी तो किसान अवार्ड दे रहे हैं, हाय एवरीवन सर अभी तो किसान अवार्ड दे दो, अवार्ड दे गए, ओके ओके। आर सिंह हेलो हेलो, चलो वेलकम 21 21 21 ने फास्टेस्ट आंसर दिया है, बहुत सही।
और कैसे बढ़िया है, वो नंबर वन पे बने हुए हैं। अनमोल फिर से नीचे खिसक गए, अनमोल जी नीचे, मेरे ख्याल से अनमोल जी ने इसका आंसर गलत दे दिया मुझे लग रहा है। चलिए चलो कोई बात नहीं, बढ़ चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। जो है हमारा 11, सवाल नंबर 11 आ गया दोस्तों आपके लिए, ठीक है तो स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 11 दोस्तों। मोदी है तो मुमकिन है, सही बात कह रहे हैं सनायन जी। चलो, A new mutated COVID-19 variant has been discovered in which nation? अभी जो new mutated COVID-19 आया है वो किस देश में पाया गया? UK, France, South Korea या Canada? जी बताओ दोस्तों, नया म्यूटेंट आ गया है कोरोना का, जैसे कि हमने पहले भी बताया था आपको, अभी इसके बारे में बात करेंगे, पर पहले जवाब दीजिए इस सवाल का। बहुत ज्यादा न्यूज में बना हुआ है आजकल, बहुत सारी नई नई चीजें आई उस कोरोना वायरस के ऊपर। जी तो न्यू म्यूटेटेड COVID-19 वेरियंट हैज बीन डिस्कवर्ड इन विच नेशन, सबसे पहले किस देश में पाया गया है, जल्दी से बता दीजिए ऑप्शन आपके पास, यूके, फ्रांस, साउथ कोरिया या कैनेडा। सनायन जी कह रहे हैं आपका वीडियो, जी हाँ सनायन जी, हमने एक वीडियो भी बनाया है इसके ऊपर, बिल्कुल देखो देखो सही आंसर है यूके। यूके जी, यूके में नया म्यूटेंट पाया गया है, B117 करके उस म्यूटेंट का नाम है, जिसकी जो स्प्रेड स्पीड है वो 70% ज्यादा है पुराने वाले कोरोना से, बिल्कुल। और ये 28वां म्यूटेंट है, म्यूटेंट अगस्त तक 6 म्यूटेंट आ चुके थे कोरोना के साथ, एस टाइप, एल टाइप, वी टाइप और जी टाइप, जीएच टाइप, जीआर टाइप, ऐसे करके 6 म्यूटेंट आए थे, ये 28वां म्यूटेंट है। सनायन बता रहे हैं 28 है। हां सनायन ने वीडियो देखा आपका, लगता है बता रहे हो सारी चीजें। जी लावण्या राजन आए गए, आई एम लेट, कोई बात नहीं लावण्या, कोई बात नहीं, आ गए अभी आप ज्वाइन कर लीजिए। आप लोग दोस्तों जैसे सनायन जी बता रहे हैं, वैसे मैं आपको बता दूं, एक वीडियो भी बनाया है इसके ऊपर, जो नया कोरोना वायरस आया है, जो नया म्यूटेंट है उसके ऊपर, उसमें उस वायरस से जुड़ी हुई सारी जितनी भी जानकारी है वो मैंने आपको पहुंचाने की कोशिश की है, जाके वाला वीडियो देखिएगा, आप लोग को समझ में आएगा कि ये वायरस कितना खतरनाक है पुराने वाले वायरस के मुकाबले। और एक और कंट्री में भी सुनने में आ रहा है, वो है नाइजीरिया, वहां पर भी एक नया म्यूटेंट पाया गया है हालिया में, ठीक है। गेमर कह रहे हैं सर कब कब होता है? हर दिन चार बजे हमारा मंडे टू सैटरडे, मंडे टू सैटरडे डेली 4 बजे होता है, और अभी आजकल जो हमारा ईयर खत्म हो रहा है सिर्फ चार दिन के लिए, चार एक मेगा क्विज कर रहे हैं हम लोग, एक मेगा क्विज करते हैं सुबह मॉर्निंग में 12 बजे 12 बजे के आसपास। आज उसका पहला क्विज था, कल वो सेकंड होगा, परसों तीसरा और लास्ट मैच चौथा होगा, बिल्कुल। तो बस चार कीजिए और प्लीज अपने दोस्तों को बताइए। हर्षित शर्मा कह रहे मुझे कैसे पता चलेगा? आप लाइक और सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई हर्षित, कुछ नहीं सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन पे नोटिफिकेशन डाल दो, आपको सारे नोटिफिकेशन अपने आप आएंगे। वैसे मैं आपको बता दूं, शाम को 4 बजे आइदर इस चैनल में या तो उस चैनल में एक जगह पे क्विज होगा, और सिर्फ 4 दिन के लिए 28, 29, 30, 31 के लिए सुबह 12 बजे हमारा क्विज होगा इसी चैनल पे, बिल्कुल ठीक है। ग्राइंडिंग गेमर कह रहे हैं सुबह, हाँ भैया सुबह का मतलब दोपहर से है, दोपहर 12 बजे मतलब, बिल्कुल जब जागो तब सवेरा हरी कह के गए हैं। अरे ना भैया सुबह इतनी ठंड होती है कि दिन उठते उठते दिन निकल जाता है। चलो देखो इसका आंसर, लगता है कैस्पर जी ने गलत आंसर दे दिया इसका, और लेकिन सब मजे में जो है सही कह रहे हैं। ग्राइंडिंग गेमर कह रहे हैं दूसरा कौन सा चैनल, प्लीज सर दूसरे चैनल के, केल्विन 9 to 12, एक हमारा केल्विन इंस्टीट्यूट है जो येलो चैनल है, और एक चैनल हमारा केल्विन 9 to 12, आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। टॉप 10 में आ गए ग्राइंडिंग गेमर्स वाईटी, जी बहुत ही बढ़िया, ठीक है। सनायन जी देखिए बता रहे हैं बेल आइकन दबा दें, सनायन जी एकदम सही कह रहे हैं, उनको फॉलो करें फटाफट सब, बिल्कुल। तो चलो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 आ चुका, फटाफट सब लोग मिनटी पे आ जाओ दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 12 आ चुका है, सवाल नंबर 12, और क्या कहता है सवाल नंबर 12 हमसे, विच नेशन स्ट्रीट फूड has been added to UNESCO list of intangible cultural heritage of humanity, बताओ दोस्तों, बिल्कुल कौन सा वो देश है जहां का स्ट्रीट फूड को यूनेस्को ने अपनी कल्चरल हेरिटेज में इंक्लूड किया है, अपनी लिस्ट में डाला है, मतलब यूनेस्को ने कल्चरल हेरिटेज की अपनी लिस्ट में उसको जगह दी है, कौन से देश का स्ट्रीट फूड है वो, कौन सा देश है? ऑप्शन है आपके पास थाईलैंड, इंडोनेशिया, सिंगापुर या मलेशिया, बताइए दोस्तों कौन सा देश है वो। और देखो यहाँ पे मेजोरिटी ने जो आंसर दिया है वो दिया है सिंगापुर, जी सिंगापुर कह रहे बफर हो रहा है, चैनल पे लाना चाहिए था फ्री फायर। अरे हर्षित जी उस वाले पे था, आप कोई नहीं, आप जाके बोला क्विज देख लो, इन फ्यूचर कभी लाएंगे तो हम आपको बताएंगे, लाएंगे जरूर लाएंगे। अच्छा देखो सिंगापुर इसका सही आंसर है, बिल्कुल। और मनीषा पांडे जी कह रहे हैं, अच्छा उन्होंने हटा दिया है,
ओके तो सिंगापुर बहुत ही खूबसूरत है, सिंगापुर की कैपिटल, उसका भी नाम सिंगापुर है। बिल्कुल, और एशिया की सबसे इमर्जिंग सिटीज में से एक है सर। सही बात है, और बहुत महंगी है बहुत सिंगापुर, बहुत महंगा महंगी है। है पहले एक टाइम तो दुबई को कहा जाता था सबसे महंगा, इस टाइम पे सिंगापुर एक तरह से सबसे महंगी सिटीज में से एक है। बिल्कुल, और बहुत ज्यादा इंडियन है वहां पे। वहां पे कहा जाता है कि सेकंड जो बोलने वाली लैंग्वेज है वो तमिल है। अच्छा, हर्षित कह रहे हैं मुझे खेलना नहीं देखना है। हर्षित तो वेट कीजिए, जरूर आएगा इसके ऊपर कभी दोबारा कोई आएगा तब आप प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिस नोटिफिकेशन। हर्षित जी अगली बार जब भी आएगा फ्री फायर आप जरूर ज्वाइन करेगा हमारे साथ, ठीक है? बिल्कुल। तो चलो दोस्तों मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा आज का क्विज कैसा लग रहा है ये तो बताओ हमारे दोस्तों, मेरे भाइयों ये बताओ क्विज कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर से बताओ। अनमोल वीडियो लैग हो रहा है, शायद कोई टेक्निकल इशू आ रहा है। ऐसा हो रहा है कि अनमोल जी वीडियो लैग कर रहा है? लेट अस ठीक है दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करो चैनल को और हमें बताइए नहीं हो रहा है। ग्राइंडिंग गेमर कह रहे हैं नहीं हो रहा है, मस्त लग रहा है, आसान है। ओके ओके तो हो अब लैग नहीं कर रहा होगा मेरे दोस्तों, अगर ऐसा हो रहा है तो ठीक है। तो चलो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सवाल। अच्छा नहीं, पहले हम लीडर्स बोर्ड में ओके बहुत लोगों का गलत हुआ है तो चेंज आएगा। आई लव सॉन्ग ने फास्टेस्ट आंसर दिया है, आई लव सॉन्ग फास्टेस्ट है, भालू सबसे ऊपर आ गए हैं। जो क्यूट सा नाम है जिनका भी भालू है, भालू वो नंबर वन पे आ गए हैं। ये कैसा नाम है भालू होगा उनके, होते ना आजकल के प्यार मोहब्बत में लोग सोना मोना बाबू भालू रख देते हैं, तो भालू ही तो भालू रख दिया होगा। चलो है अच्छा, ये यूपीएससी और एमपीएससी भाई साहब हमसे एक सवाल पूछा, आप क्या जानना चाह रहे हैं प्लीज हमें बताइए। तो चलो क्वेश्चन नंबर 13 आ चुका है हमारा, फटाफट सब लोग मिट्टी पे आ जाओ दोस्तों, हमारा सवाल नंबर 13 आ चुका है। अब दो ही तीन ही क्वेश्चन बचे हैं, बिल्कुल देखते हैं क्या है सवाल नंबर 13। विच नेशन गवर्नमेंट हैज कोलैप्स्ड सेंडिंग नेशन टू इट्स फोर्थ इलेक्शन इन 2 ईयर, कौन से देश की सरकार है जो 2 साल के अंदर चौथे इलेक्शन पे जा रही है, मतलब यूएई हाल ही में गिरी है, बहुत ही करंट का क्वेश्चन है। फ्रांस, ईरान या इसराइल, ये करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है। तो बताओ दोस्तों कौन सी वो कंट्री है जिसकी गवर्नमेंट हालिया अभी अभी एकदम गिर गई है। अच्छा एक और कंट्री है वो भी सरकार गिराने जा रही है जी, उसके बारे में बताएंगे आपको। तो आप पहले हमें इसका आंसर दीजिए, बहुत ज्यादा अभी चौथी बार जा रही है, 2 साल के अंदर चौथी बार इलेक्शन हो रहे हैं, अभी हाल में गिरी है उनके उनके जो साहब हैं उनको बोला गया है उसमें पकड़े गए वो। मतलब कि देखो मेजोरिटी ने जो आंसर दिया है वो आंसर दिया है इजराइल। इजराइल बिल्कुल सही जवाब है, इजराइल यानी कि वहां के जो हमारे जो नेतन्याहू थे, बेंजामिन नेतन्याहू, उनकी गवर्नमेंट जो गिर गई है। बिल्कुल, और हमारे दोस्त कह रहे हैं यस ओके। तो नेतन्याहू जो हैं जो हमारे इजराइल के प्राइम मिनिस्टर थे जी, अभी लास्ट टाइम भी उनकी सरकार गई थी तब भी जीत के वहीं आ गए थे। बिल्कुल, अभी फिर हुआ है वहां पे जो उनके अपोजिशन के हैं उन्होंने कई सारे उनके ऊपर इल्जाम लगाए थे, इवन उन्होंने ये भी कहा था कि चुनाव में भी हैकिंग वैकिंग हुई थी, जैसे इंडिया में कहा जाता है उसी तरह वहां पे भी हुआ है। तो ये अभी कुछ दिनों पहले अगर आपको पता चला होगा, 2-3 दिन पहले इसराइल ने एक हमला किया है सीरिया के ऊपर। इसराइल इस चीज को मना कर रहा है लेकिन सीरिया ने ये बात कही कि नहीं हमला हुआ है। ओके और उन्होंने वीडियो प्रूफ दिए हैं। इसके बदले में सीरिया ने गाजा स्ट्रिप के ऊपर भी हमला किया है जो इसराइल में है। बिल्कुल ठीक है, तो चलो देखते हैं हमारा लीडर्स बोर्ड क्या कहता है, कौन इसमें सही था कौन गलत। लीडर्स बोर्ड देख लेते हैं दोस्तों अपना जल्दी से। इसमें कैस्पर भालू भैया फिर से गलत हो गए हैं, कैस्पर भैया ने जल्दी से जवाब दे दिया है और नंबर वन पे पहुंच गए, बहुत ही बढ़िया। और ग्राइंडिंग गेमर ने फास्टेस्ट आंसर दिया, ये भी ऊपर आ गए 3 नंबर पर, बहुत बढ़िया। ग्राइंडिंग जो है भाई साहब हमारे वो फास्टेस्ट चल रहे हैं, बहुत बहुत बढ़िया। तो चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगला सवाल सेकंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारा, क्वेश्चन नंबर 14। फटाफट सब लोग मेंटी पे आ जाओ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 हमारा आ चुका है। ठीक है सवाल नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, सवाल नंबर 14 देख लेते हैं क्या कह रहा है। रिसेंटली विच नेशन प्राइम मिनिस्टर हैज डिसॉल्व द पार्लियामेंट, जी कौन से देश के प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट डिसॉल्व कर दिया है, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान या बांग्लादेश, किस देश के प्रधानमंत्री साहब ने वहां की पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया है, बताओ दोस्तों जल्दी से बता दीजिए। अभी ये तो अभी 22 दिसंबर की न्यूज है, ये अभी जो लास्ट में जो क्वेश्चन आ रहा है पिछले हफ्ते की न्यूज है और बहुत सारा बवाल चल रहा है उसको लेके। बिल्कुल,
तो बताओ कौन सा है, उन्होंने अभी बताते हैं क्वेश्चन के बाद, श्रीलंका, पाकिस्तान या बांग्लादेश, हमारा पड़ोसी है ये भी है, वैसे ऑप्शन ही सारे पड़ोसी हैं। और टाइम्स अप, इसी के साथ टाइम अप हो गया दोस्तों आपका, और देखो और मेजॉरिटी कह रही है नेपाल, बिल्कुल सही जवाब नेपाल, नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं केपी ओली साहब। ओके ग्राइंडिंग गेमर कह रहे हैं मैं वहां रहता हूं नेपाल। अच्छा आप नेपाल से हैं, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। वहां के जो प्राइम मिनिस्टर हैं केपी ओली साहब, उन्होंने एक नई पार्टी बनी थी अभी 2018 में, ओके अभी 2018 में एक नई पार्टी बनी थी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जी, ओके। और ग्राइंडिंग साहब वहां से वो ज्यादा जानते होंगे, तो दो पार्टियां थी, एक कम्युनिस्ट नेपाल पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल थी, माओइस्ट थी, और एक थी कम्युनिस्ट नेपाल पार्टी, वो थी आपकी लेनिन बेस्ड। तो एक कोपी ओली साहब की थी और जो मोइस्ट वाली थी वो प्रचंडा साहब की थी जी। इन दोनों ने अलायंस करके एक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनाई थी जिसको फुल मेजोरिटी पे बहुमत मिला था और उन्होंने सरकार बनाई थी, और इन लोग के बीच में डीलिंग हुई थी हाफ हाफ टर्म दोनों सर्व करेंगे। लेकिन जैसे जैसे ये टर्म नजदीक आया केपी ओली साहब ने इस चीज से मना कर दिया और उसके बाद सरकार गिर गई, और ये कह रहे मार्च अप्रैल में अगले चुनाव होंगे। यूपीएससी गोल लिए कुछ कर रहे हैं, नहीं कोशिश कर रहे हैं, मेरे क्वेश्चन का कैंसर दो सर, आंसर दो। क्या क्वेश्चन है आपका, कैंसर के क्या आप क्वेश्चन पूछे सर हम बताएंगे भाई। नेपाल में बढ़िया जगह है घूमने की, बहुत 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 बढ़िया जगह है नेपाल की, बहुत इतना समृद्ध है वहां, तो पशुपतिनाथ जो मंदिर है वहां का बहुत अच्छा। तो देखते हैं इसका आंसर, ग्राइंडिंग जी तो नेपाल से ही बता रहे हैं, वो तो उन्होंने सबसे पहला आंसर दिया, फास्टेस्ट वो वाजिब भी बनता है, और फास्टेस्ट है ग्राइंडिंग एवर, बिल्कुल बहुत फास्टेस्ट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आपके संदीप जी नंबर 3 पे आ गए, बहुत ही बढ़िया, बहुत सही सर। नेपाल इज डिमांडिंग फॉर मोनार्की टू रिटर्न राइट, ओके लवानिया जी जो है वो हमें बता रहे हैं कि नेपाल डिमांड कर रहा है मोनार्की ऑफ टू रिटर्न राइट, ओके थैंक्स लवानिया जी फॉर शेयरिंग। आप क्या पढ़ा रहे हो सर, अच्छा कहाँ पे ये यूपीएससी गोल, अच्छा सर हम लोग क्या है, हम लोग क्या है सर कि हम जीके लेकर आते हैं आपके लिए, जीके का क्विज लेकर आते हैं जिससे आप मजे मजे में सीख सकें, खेल खेल में सीख सकें जी जी। और इसके अलावा हमारे साथ हैं स्टेट कौन सी है आपकी, ओके सॉलिड स्टेट, सॉलिड हाँ लिक्विड ठीक है, गैसीय सॉलिड और लिक्विड तीनों है हमारे अंदर स्टेट। तो चलो अब क्वेश्चन नंबर लास्ट आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 15 आखिरी सवाल है दोस्तों हमारे, फटाफट सब लोग 15वें क्वेश्चन पे आ जाओ ठीक है जल्दी से। और इसके साथ आज हम एक बार फिर से आपको बता दें कि आज से हमारे जेई के, हाँ जेई का क्रैश कोर्स आज से स्टार्ट हो गया दोस्तों, और इसी के साथ 10वीं क्लास का, 10th क्लास का सिलेबस भी, 10th क्लास की क्लासेस भी आज से स्टार्ट हो गई है, पूरा सिलेबस कराया गया है। तो 12th चल रहा था संपूर्ण बैच, जेई का मुमकिन बैच आ चुका है, और 10th का जज्बा बैच हमारा आ चुका है, जरूर ज्वाइन करिएगा। और हम लोग का क्विज कैसा लग रहा है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को अगर आप लोग को अच्छा लगता है। और साल के आखिरी के 4 दिन यानी कि 28, 29, 30, 31 इन 4 दिन के लिए हम लोग एक मेगा क्विज लेकर आए हैं जो सुबह 12 बजे होगा इसी चैनल पे, जिसके अंदर आपका स्पोर्ट्स, इंटरटेनमेंट और पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, जीके सब कुछ इन्वॉल्व होगा उन क्वेश्चन में। हमारे साथ आज सुबह कई सारे दोस्त आए थे खेलने के लिए। यूपीएससी गोल कह रहे हैं कड़क सर, बिल्कुल थैंक यू, धन्यवाद। ऐसा है आपकी 10th क्लास का जो टाइम टेबल है शाम को 7 बजे से बैच चालू होगा, 7 से 8 देन 8:15 से 9:15 ओके। एजुकेशन एस एम रजीना पलांगे, अच्छा अनमोल जी कह रहे कौन सा लोकेशन, दिल्ली, दिल्ली अनमोल जी दिल्ली है, ओके तो चलिए देखा जाए, चलिए सैन का टाइम टेबल क्या है, टाइम टेबल पूछ रहे से 10th का दोबारा से एक बार, 10th का शाम को 7 बजे एक क्लास होगी और एक क्लास होगी 8:15 से ठीक है। तो चलो लास्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं फटाफट, सब लोग लास्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। आखिरी सवाल दोस्तों, हु अमंग द फॉलोइंग रिसीव COVID-19 वैक्सीन पब्लिकली ऑन December 21, 2020, December 21 को किसने पब्लिकली वैक्सीन लिया है, ऑप्शन आपके पास डोनाल्ड ट्रंप, एंजेला मार्केल, जस्टिस ट्रूडेव या जो बाइडेन, यानी कि आपके अमेरिका के राष्ट्रपति जो पूर्व थे एंजेला मार्केल, चांसलर ऑफ जर्मनी जस्टिन ट्रूडेव जो आपके कनाडा के हैं प्राइम मिनिस्टर,
या जो बाइडेन जो अब आपके होने वाले प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के, किसने ये पॉलिटिकल इवेंट भी था बहुत बड़ा अभी हालिया में लिए 21 दिसंबर को। बिल्कुल, और टाइम्स अप, देखते हैं किस किसने सही जवाब दिया। और मेजोरिटी जो कह रही है जो बाइडेन, बिल्कुल सही जवाब, जो बाइडेन साहब ने एक अच्छा संदेश देने के लिए ये चीज लिया है। जो बाइडेन साहब ने टीवी पर हॉस्पिटल में जाकर क्रिस्टीना हॉस्पिटल, मानव जी अपने पापा का नाम ले रहे हैं यहाँ पे, अपने पापा का नाम उन्होंने लिखा है। दोस्तों एक बार उनको बता दो उनके पिताजी का नाम क्या है, वो पूछ रहे हैं, ठीक है। बाकी जो बाइडेन, हाँ लवानिया जी सही आंसर है, जो बाइडेन, ठीक है। तो आज का क्विज कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। आज का क्विज यहीं पे हमारा खत्म होता है, अभी हम लोग रिजल्ट देखेंगे आज का विनर कौन है। बिल्कुल, और कल सुबह 12 बजे क्विज होगा, मेगा क्विज जो हम लोग कह रहे हैं, जिसमें सारे टॉपिक इंक्लूड होंगे, उसमें जरूर से आइएगा। जो लोग अभी आए हैं उनको भी हम बता दे रहे हैं, ठीक है। ओके, तो चलो देखते हैं हमारा विनर कौन है। विनर कौन है दोस्तों, आज के हमारे विनर है बाकी जिन लोगों ने खेला बहुत अच्छा खेला। इसके साथ ही मैं बोलना चाहूंगा भालू जो पहले से बने हुए थे सेकंड नंबर पे आए हैं, संदीप ने बहुत अच्छा कमबैक किया, वापस जी सर ऊपर पहुंचे। इसके साथ ही अनमोल डिनो, उन्होंने भी नीचे थे काफी, पहले बीच में ऊपर आ गए थे, बाद में फिर नीचे चले गए थे, और बाद में काफी अच्छा कमबैक किया है। ओके, अब यूपीएससी वाले सर कह रहे आपका टाइम टेबल दे दो, हम लोग बता दें हम लोग का जो जेई का बैच है वो दोपहर 2 बजे से चालू हो रहा है, जो 12th का बैच है वो 5 बजे से चालू हो रहा है, और जो 10th का बैच है वो शाम को 7 बजे से चालू हो रहा है, ठीक है। हम जो आपके लिए क्विज लेकर आते हैं वो शाम को 4 बजे लेकर आते हैं, 4 बजे डेली आएगा क्विज, ये ध्यान रखना दोस्तों, 4 बजे डेली। और इसके साथ ही जो हमारा मेगा क्विज चल रहा है वो दोपहर 12 बजे होगा, वो खाली 4 दिन के लिए, बाकी जो हमारा क्विज है डेली शाम 4 बजे होगा। 3 टॉपिक होते हैं, पहला टॉपिक होता है जैसे आज मंडे है जीके का, कल ट्यूजडे है एंटरटेनमेंट का होगा, परसों आपका स्पोर्ट्स के ऊपर क्विज होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, मस्त रहिएगा, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। ओके दोस्तों, टाटा बाय 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 बाय।